बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल को बीमार ना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया नफ्सियाती बीमार ना हो और आपकी बीवी बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने के बावजूद सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, आपके बच्चे खूबसूरत होनहार आला से लाहितों और काबिलियतों के मालिक हों, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से आपकी बीवी को गम ना पहुँचे और आप पर इसको इतना एतमाद हो कि अपनी हर उलझन को आपसे बिला तकल्लुफ कह सकें, अंदर ही अंदर ना घुटे अपने बीवी और बच्चों की तमाम जायज़ ख्वाहिशें जिनकी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी को पूरा करके इनके अंदर उम्मीद, बशाशत, बुलंद हिम्मती, हौसला, मोहब्बत वगैरह के जज्बात पैदा करें। अपनी इस्तेआत के मुवाफिक कभी भी बीवी के तमाद को मत ठुकराएं। इसकी बातों को ध्यान से सुने और इसको खुश रखने की हत्ताल मकान कोशिश करें तो वो इंशाल्लाह हर किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों से महफूज रहेगी। इसकी खुशियों में आपकी खुशी मुसमर है। आखिर में अर्ज़ है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।